नमस्कार, मैं यासीन, आप देख रहे हैं BTS न्यूज। सूरत के गोपीपुरा मोमनावाड़ स्थित हजरत ख्वाजा जमालुद्दीन दाना नक्शबंदी रहमत अलैह दरगाह 424वां उरूस शरीफ मौके पर सूरत रुस्तमपुरा इलाके में बड़ी धूमधाम से शौकत से चादर चढ़ाई गई। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी सूरत के रुस्तमपुरा इलाके के निवासी नामचीन चीना भाई, जाफर भाई और रहीम भाई द्वारा बड़े ही शानदार और अनोखे तरीके से दरगाह में चादर चढ़ाई गई। इस मौके पर हजारों की संख्या में हर धर्म के जायरीनों की भीड़ देखने को मिली। पिछले 2-3 सालों से चीना भाई, जाफर भाई द्वारा इस तरह झूमर और लाइटिंगों से सजी हुई चादर चढ़ाई जाती है और इस बार भी शहरवासी तथा देशवासियों को एकता और अमन चैन फैलाने का संदेश देते हुए भव्य तरीके से चादर चढ़ाई गई। आप सबको हजरत अबू हसन सरकार का उर्स बहुत बहुत मुबारक हो और हमारे जाफर भाई ये सूरत के बहुत जाने माने अच्छे और धूम धड़ाके से चादर लेके आए, इनको भी हम मुबारकबाद देते हैं और ख्वाजा साहब की इनकी मन्नतें पूरी हुई और इंशाल्लाह अगले साल और धूम से लेके आओ, ख्वाजा साहब इनको नवाजे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शहनशाह सूरत, वाली सूरत, फ़कर सूरत, हज़रत सैयद जमालुद्दीन ख्वाजा दाना रज़ियल्लाहु ताला के छोटे साहबजादे सैयद ख्वाजा अबुल हसन साहब का सन्नत मुबारक है और मेरा नाम सैयद नायब सज्जाद रसीन सैयद बुरहानुद्दीन उर्फ़ फैज़ल बाबा है और यहाँ के साहिब सज्जाद रसीन सैयद कमर बाबा है और आज इस सन्नत के मौके पर हमारे सभी एरिया वाले, सभी मोहल्ले वाले सरकार पे चादर पेश करते हैं और उन्हीं चादरों में से एक चादर जो मोहम्मद जाफर भाई लेकर आए हुए सरकार ख्वाजा साहब इनको और नवाजे और ये चादर जो लेके आए हैं ये सरकार ख्वाजा साहब की सब ख्वाजा साहब के छोटे साहबजादे से ख्वाजा अबुल हसन साहब में सबसे आलीशान और सबसे शानदार जो चादर ये जाफर भाई की तरफ से अभी पेश हो रही है और जाफर भाई के लिए हम दुआ कर देख गए ख्वाजा साहब इनको और नवाजे और हर साल इसी तरीके से चादर मुबारक पेश करने की तौफीक अता फरमाए और इसी धूम के साथ सरकार हर साल छोटे साहबजादे से ख्वाजा अबुल हसन साहब की चादर मुबारक पेश करने की तौफीक अता फरमाए और इनके बिजनेसों में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए और गैब से रोज़ी का इंतज़ाम फरमाए और ये हमारी दुआ है कि ख्वाजा साहब इनको और नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिपोर्ट बाय यासीन दड़ा, BTS न्यूज़, सूरत।